हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सदाबहार कलाकार। मेरा नाम है निकिता बेदी एंड आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस खूबसूरत से जगमगाते एपिसोड में, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और जानते हैं क्या है रिश्ता हमारे सदाबहार कलाकार और हमारे गणेश जी का। सुख करता दुख हरता, ये नाम तो हमारे जुबान पे हमेशा रहता है और ये मंथ सितंबर मंथ या अगस्त मंथ हमारे लिए बहुत खास रहता है, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। गणेश जी और सदाबहार कलाकार का रिश्ता बिल्कुल इनसेपरेबल है, बिल्कुल ऐसा है। आप जानते हैं कैसे? तो लगभग हर साल हमारे फिल्मी सितारे, टेलीविजन के सितारे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं करेंगे? आफ्टर ऑल असली हीरो तो हमारे गणपति बप्पा ही तो हैं। गणपति बप्पा की मूवीज़ की बात करें या गणपति बप्पा सीरियल में आए, गणपति बप्पा की वजह से इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बहुत नाम कमाया है। हर साल लाल बाग के राजा देखने, अंधेरी का राजा देखने लगभग सारे फिल्मी किरदार जाते ही हैं। हर साल टेलीविजन पे गणेश महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्टार प्लस की बात करें, जी टीवी की बात करें या फिर सोनी टीवी की बात करें, सारे चैनल्स पे गणेश जी ने धूम मचाई होती है। अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े फिल्मी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, यहाँ तक कि नए नवेले एक्टर्स भी इस बात पे यकीन करते हैं कि हर साल हमें लाल बाग के राजा के दर्शन करने ही हैं। तो आइए जानते हैं लाल बाग के राजा का क्या महत्व है। दरअसल 1934 में जब गणेश महोत्सव की स्थापना हुई थी, यानी कि जब गणेश जी पहली बार मुंबई में बैठने लगे थे, तब उसी साल ये डिसाइड किया था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें सिर्फ गणेश भगवान दिला सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव पुत्र गणेश हर चीज़ में A1 माने जाते हैं। शिव जी जी ने उनको आशीर्वाद जो दिया है। बचपन में जब गणेश जी बहुत नटखट थे और शरारतें करते थे, तो अक्सर शिव भगवान उन्हें डांट के चुप करवा देते थे। लेकिन इस बात से खफा होकर गणेश जी ने ये सोचा कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे पिता की तरह हमेशा क्या मुझे नकारता रहेगा। तब ये बात सुन के शिव भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया था कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा गणेश तुम्हारा ही नाम होगा। तुम इस दुनिया के सबसे पहले वो हीरो होगे जिससे हर शुभ कार्य का आरंभ हो। इसीलिए आपने मोस्टली देखा होगा, जब भी कोई नया फिल्म सेट का मुहूर्त होता है या कोई टेलीविजन का मुहूर्त शॉट होता है, तो लोग जोर से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, क्योंकि गणपति बप्पा के होने से जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सीरियल की या फिल्म की जो गणेश जी पर ही बनाए गए हैं। ओ माय फ्रेंड गणेशा, या फिर बात करें विघ्नहर्ता गणेशा, ऐसे सीरियल, ऐसी फिल्मों से हम ये दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि गणेश जी रियल लाइफ हीरो हैं और बॉलीवुड के सितारे गणपति बप्पा को बहुत मानते हैं। ये 11 दिन का सफ़र, जब घर में गणेश जी आते हैं तो जैसे एक नया नन्ना मुन्ना मेहमान आ गया है। बहुत सारे फिल्मी सितारे उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और इसमें से दो नाम ऐसे हमेशा खास रहते हैं जो सालों से अपने घर में गणपति बप्पा का आगमन करते आ रहे हैं। सबसे पहला नंबर शिल्पा शेट्टी, दूसरा एकता कपूर। एकता कपूर वैसे भी काफ़ी धार्मिक मानी जाती हैं, लेकिन इस महोत्सव पे एकता कपूर ये मानती हैं कि गणेश जी की वजह से ही उनका बालाजी टेलीफिल्म्स आज इतनी बुलंदियां छू रहा है। और शिल्पा शेट्टी को भी यही लगता है कि उनके जीवन में जितनी भी सक्सेस, जितना भी ग्रोथ हुआ है, वो गणपति बप्पा की वजह से है। गणपति बप्पा के आने से मुंबई शहर में, पुणे शहर में, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में एक अलग सी रौनक आ जाती है। दिवाली, ईद या फिर होली से कम नहीं होता ये महोत्सव। बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपने लिए स्पेशल छुट्टी लेते हैं, क्योंकि जैसे एक नया नवेला बच्चा घर में जन्म लेता है, उसी तरह से 11 दिन के लिए गणपति बप्पा को एक बच्चे की तरह हम प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और 11वें दिन पे उन्हें विदा कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब वो अगले साल आएंगे तब ढेर सारी खुशियां हमारे लिए लेके आएंगे। तो इस साल आप भी लाइए गणपति बप्पा को और याद रखिएगा,
बॉलीवुड सितारों से ये जरूर सीखना कि गणपति बप्पा इको फ्रेंडली हो, उनका पूरी तरह से आदर सत्कार किया जाए और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें बहुत ही प्यार से और भावनाओं से विदा किया जाए, ताकि वो पूरे साल हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखें और आपके और हमारे ऊपर एक ऐसा दृष्टिकोण डालें जहां देश विदेश दुनिया में हर तरीके से लोग कोरोना मुक्त हो पाएँ, दूसरी बीमारियों से मुक्त हो पाएँ और हम थिएटर्स में जाके अपने सदाबहार कलाकारों को फिर से देख पाएँ। तब तक के लिए देखते रहिए टेलीविजन, वेब और अपना मोबाइल हमेशा यूज़ करती रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं गणपति महोत्सव की, तो इसी बात पे कहिए गणपति बप्पा मोरिया।